हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपने वॉल पेपर्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप में आपको ने फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपने वॉल पेपर चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना, तो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है गाइस डिस्प्ले। तो आपको डिस्प्ले पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉल पेपर्स। तो आपको वॉल पेपर्स पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वॉल पेपर पे क्लिक करना है अगर न्यू लगाना है आपको, अगर आपको अपने फ़ोन में से ही लगाना है। तो यहाँ पर आपको न्यू वॉल पेपर देखने को मिल जाते हैं सारे, जो भी आपको अपने फ़ोन में अपने वॉल पेपर लगाना है इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसे अप्लाई कर देना। और यहाँ पर आपको पेंडेंट, तो आपको जो है डाउनलोड हो रहा है। अगर आप यहाँ से लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जब तक लोडिंग हो रही है हमारा वॉल पेपर की, तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो वॉल पेपर डाउनलोड हो चुका है और हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है अप्लाई, तो हम इसे अप्लाई कर देते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने वॉल पेपर चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।